दोस्तों एक बार फिर तुहाडा सारिआं दा साडी पंजाबी चैनल हिंद पंजाब ते स्वागत। अज गल करांगे सब तो वड्डे इशू दी, जो हमेशा असीं इशू बेस्ड गल करदे हां कि मानसा एक उभर रहे मूवमेंट जिहड़ी पूरे पिंडां च उभर के आ रही है वड्डे लैवल ते, एंटी ड्रग मूवमेंट। वो मूवमेंट जिहड़ी एक जमाने सिद्धू मूसेवाले ने शुरू की सी, उन्हों अगे वधाउंदा होया एक नौजवान उन्हों अरेस्ट करना कितों तक जायजा कि मूसेवाला फैक्टर परमिंदर सिंह उर्फ झोटा उहदे खिलाफ जा रहा, केड़ी गल तो डर रही है सरकार, केड़ी गल तो डरती है मानसा दी पुलिस, केड़ी गल तो घबराया होया है तंत्र मंत्र कि उस बंदे नू अरेस्ट करन दी नौबत आ गई जिहड़ा बंदा कोई चज दी गल कर रहा। वो कम जिहड़ा तुहाडी पुलिस नहीं कर रही, तुहाडा शासन तुहाडा प्रशासन नहीं कर रहा, वो बंदा कुछ करन दी हिम्मत कर रहा, दलेरी कर रहा, लोगों नू जागरूक कर रहा। उस बंदे नू अरेस्ट करना एक उस बंदे दे बयाना ते जिहड़ा कहना मैं खुदकशी करन ते मजबूर हो रहा कर रहा मैनू ये बंदा, वो बंदा जिन्हें इल्ज़ाम लाए उस बंदे दियां दवाइयां खा के किन्ने बंदे मर गए, किन्नियां ने खुदकशियां कीतियां, किन्ने होर मरनगे, किन्ने होर खुदकशियां करनगे, उस गल का कोई जवाब किसे कोले नहीं है। दोस्तों आपां सारियां नूं इह इशू बड़ी संजीदगी नाल लैणे चाहीदे आ। वो कम जिहड़ा साडे समाज सेवियां नूं करना चाहीदा सी, साडे इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नूं करना चाहीदा सी, जिहड़ा कम पिंडां दीआं पंचायतां पंचां सरपंचां नूं करना चाहीदा, जिहड़ा कम पोलिटिकल पार्टियां दे इलाके दे लीडरां नूं करना चाहीदा, और सब तो वध जिहड़ा प्रशासन नूं करना चाहीदा, पुलिस नूं, हैल्थ डिपार्टमेंट नूं, एक्साइज डिपार्टमेंट ते होर डिपार्टमेंट जिहड़े ये मैडिकल स्टोर नूं कंट्रोल करदे आ। जे शरेआम मैडिकल दुकानां ते मैडिकल ड्रग विक रहीआं नशे दीआं दवाइयां, उहनां नूं कंट्रोल करना किहदा कम है? ते सरकार ते सरकारी अफसर जदों अपनियां जिम्मेदारियां तों भज्जण लगदे आ तां किसी ना किसी मर्द नूं खड़ा होना पैंदा, एवें नहीं उहदा नां किसी ने झोटा रख्या। सरकारी शान बथेरे तुरे फिरते देखे होणगे तुसीं, पर झोटा अपनी टा शान नाल घूमदा, इहो झोटा। मैं चाहुंदा कि हर पंजाब दे पिंड च इक झोटा होना चाहीदा, तां ये ड्रग की मैनस खत्म होगी। और सब तो वड्डी गल माड़ा की कर रहा सी, वो किहड़ा कानून तोड़ रहा सी, उहदा तुहाडी मदद कर रहा, उह तां समाज की मदद कर रहा, और तुसीं उहनां लोकां दा साथ दे रहे हो जिहड़े मौत वंड रहे आ, उहनां दे इल्जामां ते तुसीं इस बंदे दे घरों जा के इहनूं अरैसट कर रहे हो, और वो पक्के पैरी काम करता। सारे पहला एक बंदा दुकान पर भेजा जाता, उतों ड्रग खरीदी जाती है, उदा तरीके सबूत कट्ठे किए जाते हैं, तो फिर उत्थे जा के उस बंदे घेरिया जाता। की माड़ी गल है, कम तो थोड़े जरा हेल्थ डिपार्टमेंट है मैडिकल स्टोर कंट्रोल करने वाला। तुहानू मैं इत्थे भी दस दिया कि हाई कोर्ट दियां पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दियां तीन चार बारी ये डायरेक्टिव पंजाब सरकार नूं दिते जा चुके ने पुरानियां सरकारां दे समें च, कि पंजाब विच जिन्ने मैडिकल स्टोर्स नूं लाइसेंस दिते गए ने कि वो सारे शर्तां पूरियां करदे आ,
सब तो वड्डी शर्त हुंदी है कि उस दुकान ते मैडिकल शॉप ते जिन्हों अड़ अड़ ना लोग दिन मैडिकल हॉल मैडिकल शॉप मैडिकल दवाखाना ये वो सब उते एक ट्रेंड फार्मासिस्ट होना चाहिए और लाइसेंस जरा है फार्मासिस्ट नू ही मिल सकता कि पंजाब इन्ने क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है जिन्हियां पंजाब मैडिकल दुकाना ने हुण इल्जाम ये भी लगने शुरू हो गए कि जिहड़े पंजाब दे वो इंस्पैक्टर जिहड़े इन्हां नू मॉनिटर करते हैं मैडिकल शॉप्स नू उन्हां दे पिछले दसां सालां दे प्रॉपर्टी दे कागजात परोले जान कि दसां सालां च उन्होंने किन्नी कमाई की। कुछ लोगों के नाम एहो जे इंस्पैक्टर के सामने आने लग गए। वो इंस्पैक्टर अगे अपन कुर्सियां बचाने लई अपना जिला बचाने लई अगे किनू किनू पैसे देंदे डायरेक्टर मैडिकल हेल्थ सर्विसेज डायरेक्टर फलाना टिमका 25 डिपार्टमेंट ने हर डिपार्टमेंट से अड़ अड़ किस्म दियां शर्तां लागू होंदियां और केड़ियां दवाइयां कित्थों आउंदियां की पूरी इनवेंटरी उन्हां कोले हुंदी है वो जैनरिक ड्रग्स ने या ब्रांडेड ड्रग्स ने उन्हां नूं लाइसेंस किस किस्म दा दिता गया जिवें ठेके ठेपा ठेका शराब अंग्रेजी ठेका शराब देसी पता एक जगह से देसी शराब मिलनी है कितने अंग्रेजी मिलनी है जहाँ कई जहाँ थावां ते इक्को ठेके ते दोने मिल जांदियां उन्हां ते लिखा हुंदा ठेका शराब देसी ते अंग्रेजी पर उन्हां च घर दी कढ़ी दारू नहीं मिलदी देखिया कदे तुसीं ते जे इहनां दवाइयां वेचण वालियां नूं शर्तां ते लाइसेंस दिते गए आ ते उह शर्तां दा अगर पालन नहीं हुंदा उह फड़न दे इहनां दे लाइसेंस कैंसल होण लई करन लई किहदी जिम्मेदारी है कि सरकार कदे इहो जे आंकड़े अज तक दिते कि असीं इह लाइसेंसिंग दीआं शर्तां दा उलंघन करन वाले लोकां दे इन्ने लाइसेंस कैंसल कर दिते। मतलब हैरानी की गल है तुसी पंजाब दे किसे शहर चो लंघो किसे गली चो किसे वड्डी रोड छोटी सड़क किसे मोहल्ले चो उत्थे उन्नियां राशन दीआं दुकानां नहीं हुंदियां उत्थे इन्नियां कोचिंग क्लासिस नहीं हुंदियां जिन्नियां दवाइयां दीआं दुकानां हुंदियां। मतलब कि इन्ने मरीज ने पंजाब विच उन्नियां दवाइयां दीआं दुकानां नहीं आ जिन्ने हॉस्पिटल ने पंजाब कई सड़कां लगातार एक पासे शुरू हो जाओ दूजे पासे जाओ हर घर हस्पताल खुलिया होया फलाना हॉस्पिटल टिमका हॉस्पिटल कैट स्कैन पैट स्कैन पैथोलॉजी लैब ये लैब वो लैब ये सारे ये इलाज करन वाले नहीं है ये बीमारियां वंडन दे अड्डे ने लोगों नूं बेवकूफ बनाया जा रहा। कई एग्जाम्पल इहो जिहियां सामने आउंदियां मेरे एक मित्र ने उन्हां दी पत्नी नूं 5 सालां तों कीड़ी बीमारी है उह ना तो PGI तों निकल सकी ना 34 सैक्टर पता नहीं 32 सैक्टर च कोई हॉस्पिटल है उत्थे सारे टैसट होए पटियाले हॉस्पिटल टैसट होए सरकारी उस तो बाद सारियां रिपोर्टां लै के वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं वो हॉस्पिटल कहता सानू इना जिहड़े टैसट सरकारी हस्पतालों च होए है इना ते यकीन नहीं है तुहानू सारे टैसट एक बारी फिर साढ़े हॉस्पिटल तो करवाने पैणगे। वो नवें टैसट कराउण च 1.5 महीना लग्या उहनां दा किसी की रिपोर्ट 5 दिन बाद आई किसी की 15 दिन बाद किसी की 1.5 महीने बाद रिपोर्ट आई 1,80,000 रुपया सिर्फ टैसट करन दा लै लिया और अंत च कह दे सानू समझ नहीं आ रही बीमारी की है।
दोस्तों ये लुटन घर बने हुए ने, ये इलाज घर नहीं ने, बीमार घर ने। चंगे भले बंदे नूं बीमार करके भेज देंगे और इहोजियां दवाइया दे देंगे जिहड़े तुहानूं ठीक नहीं करदियां बल्कि होर बीमार करदियां, तां कि डाक्टरां दा धंधा चलदा रहे। लेकिन उस तों वी माड़ा धंधा इह नशे दियां कैमिकली क्रिएटिड दवाइयां वेचण दा। उन्हां ते कोई नां नहीं हुंदा, उन्हां दी कीड़ी कंपनी ने बनाईयां कोई ब्रांडड नहीं आ, सारियां जेनरिक ने। गोलियां जिन्हां ते कोई नां नहीं है, लिक्विड जिन्हां ते कोई नाम नहीं है, सिर्फ लिखिया हुंदा कप सरूप, सिर्फ कप सिर्फ फलाना टिमका ये हो जाए। लेकिन इनग्रीडियंट्स जिहड़े आ उह वी लिखे हुंदे आ, लेकिन इन्ने बरीक शब्दां च लिखे हुंदे आ कि बंदा मोटे शीशे दियानकां ला के भी नहीं पढ़ सकता, और जे पढ़ भी लवे तो उन्हां दा मतलब नहीं पता हुंदा। कहते जी सारे सॉल्ट ने, नून है सारा, ये मैडिकल भाषा च दवाइयां नूं सॉल्ट भी कह देंदे। फिर कहते जी ये दवाई अवेलेबल नहीं है, इहदे नाल दे सॉल्ट मिलते जुलते आ दवाई लै लो। मतलब इन्नी बुरी तरह लोकां दी लुट खसुट बीमारियां दे इलाज ते चल रही है, और वो लोग करोड़ां रुपये कमा रहे, कोई चैक नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं पुछता उन्होंने, और कोई प्राइसिंग ते कंट्रोल नहीं है। जे तो तुहानूं मैडिकल स्टोर वाला जाणदा, तुहाडे मामे मासड़ फुफड़ का कोई अगे भरा लगता, तो वो दवाई जिहड़ी 100 रुपए की आ तुहानूं 20 रुपए की भी दे दिंदा, नाल कह भी दिंदा कि सानूं तो 18 रुपए की पैंदी है, तो 2 रुपये साडे खर्चे 20 रुपए च लै जा। लेकिन उत्ते जिहड़ी प्राइस लिखी है वह 100 रुपया लिखी हुई। बहुत वड्डा रैकेट है ये मैडिकल ट्रीटमेंट का। काम तो सरकार नूं वह करना चाहिए, तो कर की रहे हो तुसीं? उस बंदे नूं पढ़ रहे हो परमिंदर सिंह झोटे नूं जिहड़ा ये कहदा कि ये मौत दियां दुकानां बंद करो। जिहड़ा बंदा जिंदगी की गल करता, नशिया के खिलाफ एक्शन लै रहा, खाली गल नहीं कर रहा, उहदे खिलाफ तुसीं एक्शन लै रहे हो, क्योंकि उहदे एक्शन नाल जिहड़ा प्रैशर इन्हां दुकानां वालियां ते बन रहा, जिहड़े मौत दियां दुकानां चला रहे आ, उहनां दी बिजनेस ते फर्क पै रहा, बिजनेस ते इफेक्ट पै रहा। तो पुलिस का हफ्ता घट हो रहा, पुलिस का हफ्ता घट होगा आमदन घटूगी, आने वाले समय च होर घटूगी। इस करके झोटे नूं पढ़ लो, उन्हों प्रैशर चलाओ, उन्हों डराओ धमकाओ, पर लेकिन हुण ये गल बहुत अगे वध चुकी, ये रोकण वाली नहीं। ते एक जमाना जदों कहते सी कि करप्ट SSP नूं कढ दिओ, दूजे SP लै आओ, ईमानदार लै आओ, तो थोड़ा भला होगा। पर अज तक ये देखिया असीं बहुत घट केस से हुंदा, कोई 4-5% केस कि एक आदमी गया तो दूजे के आने नाल कोई फर्क पिया होवे, नहीं बल्कि रेट होर वध जांदे। नवें बंदे के आने तो बाद थले वाला स्टाफ सुनेहा दे दिंदा सारिआं नूं कि नवें अफसर नूं पुराने रेट पसंद नहीं है, थोड़ी जी परसेंटेज वधाओ। तुसीं ये दसो कि नवीं सरकार जिहड़ी करप्शन फ्री का नारा लैके आई सी, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, हेरा फेरियां चलाकियां मिलावट लुट खसुट इन्ने वड्डे लैवल ते मैनूं नहीं लगता कि अज तो 5 साल पहला चलते जिन्नी हुण चल रही। कौन रोकूगा इहनूं? जे तुसीं सरकार बैठे लोग नहीं रोकदे, तुहाडे इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं रोकदे, तो फिर लोगों उठना पैना। अज तो एक परमिंदर सिंह झोटा उठाया, कल पूरे पंजाब होर 10 उठ जाएंगे, फिर 15, 20, 25, 30, 50, 100 किनू किनू फड़ी जाओगे। और डर मानसा की एडमिनिस्ट्रेशन नू इस गल तो लग रहा कि ये बंदे की मूवमेंट जोर फड़ती जा रही है,
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੂਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਫਲਾਨਾ ਢਿਮਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਛੱਡਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲੋਂ ਚਾਤਰ ਚਲਾਕ ਘਟੀਆ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਥੇ ਬੱਟੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 15 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ 2-2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ, ਕੋਠੀਆਂ, ਬੰਗਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਈ ਪੈਦੇ ਨੇ ਗਲਾਂ 'ਚ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਕਾਹਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਕਾਹਦੇ ਆਪ ਆਦਮੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਝਾੜੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣੇ, ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਜਾਂ ਡੱਕਿਆਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਝੂਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।